अनवरत चेतना का जो है वो विकास, ये आज का प्रेरणा पाते हैं। अनुव्रत क्या है कि जो पांच महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य, इन पांच महाव्रतों का आंशिक पालन करने वाला अनुव्रती कहलाता है। और गृहस्थ के लिए ये अनुव्रत है, और अनुव्रत के अंदर जो है स्थूल हिंसा करनी नहीं, स्थूल झूठ, स्थूल हिंसा अलाउड है, और स्थूल जो है वो सत्य असत्य भी अलाउड है। इस तरीके से अनुव्रत चेतना का जो है हमें विकास करना चाहिए। अनुव्रत की चेतना करने से एक अच्छा परिवार बनता है, एक अच्छा समाज बनता है, और अनुव्रत जीवन के अंदर मर्यादा लाता है, इच्छा परिमाण लाता है, इच्छाओं पे अंकुश करता है, क्यों इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, उन सब पे जो है अंकुश लगाने के लिए अनुव्रत की चेतना को जगाना चाहिए। महाव्रती हरेक बन नहीं सकता, जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्मवीर होता है वही धर्मवीर हो सकता है। यानी दीक्षा लेना जो है धर्मवीर और कर्मवीर का काम है, लेकिन सामान्य व्यक्ति चाहे कि मैं भी उन्नति करूं, सुखी रहूं, ये लोक और परलोक सुधरे, तो उसको अनुव्रत चेतना पर ध्यान देना चाहिए। अनुव्रत की चेतना जो है हमें अनुशासित करती है, हमें नशा मुक्त बनाती है और हमें व्यवस्थित करती है। इसलिए अनुव्रत की चेतना को जगाना चाहिए। इस चेतना के जरिए हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, कुरीतियों को परेशानी देते हैं और सबके साथ में समानता का व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये अनुव्रत के मुख्य घटक है। इसलिए हम अनुव्रत की चेतना का विकास करें।